अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आकिब और आप सबको वेलकम करता हूं बजीज वर्ल्ड में। तो आज का जो टॉपिक है वो फिंचेस है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार फिंचेस के बारे में हमें बताएं, आपने इसको एज़ अ बिज़नेस रखा है या फिंचेस को आपने ऐसा शौकिया रखा है और कितने के लिए हैं, ये सब चीज़ें आप हमें बताएँ। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अब से जो है मैं आप लोगों को कुछ अपनी वीडियोस दिखाना चाह रहा था पुरानी, क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं उनको शायद नहीं पता, नहीं आइडिया। तो टॉपिक्स में बता देता हूँ, ज़्यादातर टॉपिक्स उसके अंदर ये हैं कि लाइट जलानी चाहिए बर्ड्स के लिए या नहीं, बर्ड्स के लिए कौन सा सॉफ्ट फूड बेस्ट है, बर्ड्स की किन किन बीमारियों के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बर्ड्स की मेडिसिन, बर्ड्स की सारे एंटीबायोटिक्स और केज को किस तरह से साफ़ किया जाए। तो ये सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, गंदम के फ़ायदे और भंग के जो सीड्स होते हैं उनके फ़ायदे, बाजरे का कोई तासीर, गंदम का फ़ायदा, लूसन, पालक, इन सब की जो वीडियोस थी। तो नए नए जो सब्सक्राइबर्स हैं आई थिंक उन्होंने नहीं देखी और उसका रीज़न ये था कि काफ़ी लोगों ने वो मिस कर देते हैं और कमेंट्स में मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे, तो ब्रीड में भी वीडियो बनाई हुई है। कॉलोनी का डिफरेंस पूछते हैं, इंडिविजुअल केजेस का डिफरेंस पूछते हैं। तो मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं आप लोगों को जो पुरानी वीडियोस हैं वो भी अपलोड करके दिखाऊंगा ताकि जिन लोगों ने नहीं देखी उनका फ़ायदा होता है। तो अब कुछ सूरत हाल ऐसी होगी, कुछ शेड्यूल हमारा ऐसा होगा कि एक दिन आपके पास मेरी न्यू वीडियो आएगी और एक दिन जो है मेरे आपके पास मेरी पुरानी वीडियो आएगी। पुरानी वीडियो भी आप लोगों के लिए न्यू होगी क्योंकि वो काफ़ी पुरानी और काफ़ी लोगों ने वो नहीं देखी, जब चैनल स्टार्ट किया था तब की वो वीडियोज़ हैं। तो आई होप आप लोगों को वो भी अच्छी लगेंगी, उसमें भी आपको नॉलेज कुछ ना कुछ मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं कि यार देखो फिंचेस, सबसे पहले काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने कितने की ली है। तो अगर आप देखें तो ये देखें, तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपने कितने की ली है फिंचेस। तो यार मैंने 500 रुपये का एक पेयर लिया था और 500 रुपये के पेयर के हिसाब से मैंने 5 फिंचेस उठाई हैं। टोटल मुझे जो ये पड़ी थी वो पड़ी थी 1,250 रुपये की, ठीक है। और 2 फिंचेस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी तो वो टोटल हो गया मेरे पास 7 फिंचेस हो गई टोटल मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मैंने हांडियाँ लगाई हैं इसके अंदर, हांडियों में मैंने नेस्टिंग आज की है 2 दिन बाद। अभी तक किसी मादी ने कोई हांडी नहीं पकड़ी, अभी तक कोई ऐसा मुझे प्रोग्रेस वगैरह नहीं दिख रही। अभी जस्ट मेल जो है देखें अगर आप, तो अभी सिर्फ मेल हांडी के अंदर जा रहा है, फीमेल उसके पीछे उसको फॉलो करती है। कोई ब्रीडिंग का इतना अच्छा मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। बाकी खाने की बात करते हैं तो मैं इनको कंगनी दे रहा हूँ बारीक और साथ पानी दे रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कोई बड़ा सेटअप अभी नहीं डाला, जैसे छोटा सा सेटअप रखा है और बहुत जल्द आप लोग इनकी एक कॉलोनी देखने वाले हैं इंशाल्लाह। पूरा जिसे कहते हैं कि माइंड बना हुआ है और इस हफ्ते या अगले हफ्ते इसी महीने के अंदर अंदर आपको इसी कॉलोनी दिख जाएगी। और फिशर जो है मेरे इंशाल्लाह उनको भी एक नई जगह पर एडजस्ट करने का माइंड बनाया। तो ये सब चीज़ें आपको बजीज वर्ल्ड पे ही मिलेंगी, आपने सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। बाकी ये कि यार मैंने कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखा, मैंने जस्ट शौकिया रखे हैं। मुश्किल से ये 3 पेयर हैं, तो अभी 3 पेयर से बिज़नेस वगैरह मेरे ख्याल से स्टार्ट नहीं होता, तो सोच भी नहीं है अभी ऐसी। जस्ट अगर ये ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं मेरे पास कॉलोनी के अंदर या इसके अंदर, तो फिर मैं इनको बढ़ाऊँगा, जमा करूँगा जिस तरह से मैंने ऑस्ट्रेलियन जमा किए थे। और थोड़ा सा अगर मैं आपको ऊपर लेके जाऊँ तो ये देखें, ये कुछ चिक्स निकले हैं मेरे और बीच में कॉकटेल पड़ा हुआ है। तो कॉकटेल का भी कुछ बंदोबस्त करना है, अभी बहुत सारे काम हैं। तो मेरे सवालों का आपको, आपके सवालों का मैंने आपको जवाब दे दिया कि फिंचेस 250 रुपये के लिए, इनकी सीड जो होती है वो सिर्फ बारीक कंगनी होती है, नेस्टिंग मैंने कर दी है और नर जाने लग गए हैं, हांडियों में देखें क्या होता है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी कॉलोनी आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहें बजीज वर्ल्ड। अल्लाह हाफ़िज़।